तो अमन बताइए, आपको मेरे चैनल पे आके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगा मुझे चैनल पे आके, और सुरजीत का चैनल तो मैं कंटिन्यूसली देखता रहता हूँ, जो भी वो व्लॉग डालते रहते हैं अपने स्टेटस पे या यूट्यूब पे, सॉरी, तो उनके मैं हर एक कंटिन्यूसली ब्लॉग देखता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस एंड नमस्ते फ्रॉम पहाड़ एंड पहाड़ की हसीन वादियों से, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त सुरजीत। गाइस, आज मैं जा रहा हूँ बैंगलोर मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने, और मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो अभी आने वाले हैं। तो यार, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ। और अभी मैं अपने गांव से पैदल चल रहा हूँ, ठीक है? तो धीरे धीरे चलिए, और मेरे दोस्त भी आने वाले हैं, मैं उनका वेट करूँगा रोड पे। तो चलिए सीधे रोड पे मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ रोड पे, और सबसे पहले तो यार मेरी तरफ से आप सभी लोगों को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, और इन्जॉय विद योर फैमिली। आप सभी लोग बहुत खुश रहे, और दिवाली का बड़े अच्छे से आनंद लीजिएगा। और यार, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस दिवाली में पर्यावरण का ख्याल रखना, क्योंकि हमारा मेन मकसद है पर्यावरण को स्वच्छ रखना, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं, और प्लीज़ पटाखों का इस्तेमाल कम करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। और अभी मेरे कुछ, मैंने बताया था कि फ्रेंड आने वाले हैं, तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि वो दूसरे रास्ते से निकल गए हैं। तो दोस्तों, मैं अभी अकेले जा रहा हूँ बैजरों में, और बैजरों के ऊपर मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे देख लीजिए। और मैं मिलूँगा आपको डायरेक्ट बैजरों में, क्योंकि इससे पहले मेरे को एक काम करना है चूसी में, तो मैं चूसी से काम करके आपसे डायरेक्ट बैजरों में मिलूँगा। तो चलिए चलते हैं बैजरों। हाँ तो दोस्तों, आपका भाई पहुंच चुका है पंचपुरी पुल में, और ये है यहाँ का रोड गाइड करने के लिए बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है? तो मैं हाथ से बता देता हूँ, ये जो रोड जा रही है ये सीधे इधर जा रही है रामनगर और सूजी की साइड, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस रोड पे, ये रोड जा रही है सीधे बैजरों की तरफ। और ये जो रोड है पुल से जो उस साइड जा रही है, ठीक है, इस साइड जा रही है, जो ये जा रही है बुंगीदार चौकाल की तरफ, ठीक है? तो मेरे को जाना है बैजरों की तरफ, तो चलिए चलते जाते हैं धीरे धीरे। हाँ तो दोस्तों, पंचपुरी से थोड़ा सा आगे आने पे आपको कुछ बैजरों के लिए जो यहाँ पर रोड की कटिंग हुई थी थोड़ा सा, इसके बारे में बताया जा रहा था कि यहाँ से और बैजरों तक NH हाईवे बनने वाला है, और उसके पीछे बता रहे थे कि यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है, सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ से आप देख सकते हो चारों तरफ का दृश्य, गाड़ियाँ आ रही हैं, और चलिए। हालांकि मेरे ख्याल से ये यहाँ पर पता नहीं किसी और उद्देश्य के लिए बताया गया था, लेकिन समाज की नज़रों में देखा गया था कि यहाँ पर NH बन रहा है, और रोड काफ़ी चौड़ी बन रही है, लेकिन कुछ भी काम ऐसा हुआ, देखते हैं। चलो आगे आगे बैठ रहा हूँ, अभी 1 किलोमीटर है यहाँ से। ये है दोस्तों आसपास का व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर है, और चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ के बीच में बसा है खूबसूरत सा बैजरों। और ये रोड यहाँ पे काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि ये NH है, नेशनल हाईवे है, तो इसलिए यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ठीक है? और नीचे पानी है, जिन लोगों को वाटरफॉल और पानी में खेले जाने वाले जो खेल होते हैं उनका शौक है, तो उनके लिए यार बैजरों एक परफेक्ट जगह है, आप आ सकते हैं कभी भी बैजरों में, और यहाँ के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ तो दोस्तों, चलते जाइए, अभी बैजरों है यहाँ से 1/2 किलोमीटर, और 1/2 किलोमीटर में आ चुका हूँ, ठीक है? चलते जाइए धीरे धीरे, अभी काफ़ी रास्ता है पीछे, आप देख सकते हैं इतना रास्ता मैं आ चुका हूँ, और अभी काफ़ी दूर है यहाँ से बैजरों। कुछ लोग जा रहे हैं गाड़ी से, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, और मैं उन्हीं में से हूँ जो लोग यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यार देखो, पैदल चलने का एक अलग ही मज़ा होता है,
और वैसे भी चूसी से बैदरों की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तो यार चलना स्वास्थ्य के लिए सही है ना, तो चलते रहो बैदरों। हाँ तो दोस्तों, आपका दोस्त सुरजीत पहुँचने वाला है बैदरों में, वो है बैदरों। और हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैदरों से थोड़ा सा आगे आने पर आपको एक शिष्य मंदिर स्कूल मिलेगी। ठीक, जंगल में है, लॉकडाउन लगा है तो यहाँ पे बंद की गई है वो, सरस्वती निकेतन नाम है जिसका। और हाँ, यदि आपको प्यास लगी हो तो यार उत्तराखंड के इन झरनों से पानी जरूर पीना, क्योंकि इनका पानी यार काफ़ी ठंडा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लगाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, इतना ठंडा है क्योंकि नेचुरल पानी है। तो यार देख सकते हैं पूरी तरह बांझ के पेड़ों से आता है ये पानी बिल्कुल ऊपर से। और हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे एक पत्ता लिया, आप देख सकते हैं, और पत्ते से पानी आता है नीचे और फिर हाथ से पी लेते हैं, या बोतल वोतल होती है तो हम उससे पी लेते हैं। ठीक है, तो चलो यार पहले पानी पी लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, मेरे को प्यास लगी थी और मैंने पानी पी लिया है, और अब बढ़ते हैं बैदरों की तरफ। तो एक्चुअली दोस्तों, मैंने आज माइक नहीं लगाया तो शायद से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन जो कुछ भी है यार, अब यही है तो आपको यही कुछ देखना पड़ेगा। और चल के जाइए आगे, धूप भी है और ठंड भी है, दोनों है, मतलब धूप भी नहीं सही जा रही है और ठंड भी सहन नहीं हो रही है यार, क्या करें। चलिए बैदरों चलते हैं, दिवाली का सीज़न है, काफ़ी भीड़ भाड़ होगी। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ बैदरों में, और अब बैक कैमरा से दिखाता हूँ यहाँ का हाल कि दिवाली के सीज़न पे यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये है बैदरों में मिठाई की दुकान, और सबसे पहले हम आए हैं मिठाई ख़रीदने, तो चलो देखते हैं कौन सी मिठाई सही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कई तरह की मिठाइयाँ हैं आप देख सकते हैं, और चलिए रेट पता करके अच्छे से एक मिठाई पैक कर लेते हैं सबसे पहले। और साथ में यहाँ पर है पटाखों की दुकान, तो हम यहाँ से पटाखे और मोमबत्तियाँ भी ख़रीद लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रेट है, किस रेट में चल रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ भाड़ है, और बाजार में एक अलग ही रौनक आपको देखने को मिल रही होगी, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ इकट्ठा हो रखी है आज की डेट में यहाँ पे, और सारे लोग दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि कल जो दिवाली है। बढ़ते हैं आगे, मेरे साथ है मेरे दोस्त और हम कर रहे हैं दिवाली की शॉपिंग, तो चलिए यार आगे चलते हैं। ये है मुर्गा छाप।
नमस्कार दोस्तों, एक घंटे की शॉपिंग के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली है खाने पीने की, और पटाखे भी हमने काफ़ी खरीद लिए हैं। शायद इतना काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा पटाखे नहीं जलाने हैं, प्रदूषण हो सकता है। और मेरा दोस्त है साथ में, उसने भी पटाखे खरीद लिए हैं, तो मैं उसे भी बता रहा हूँ कि दोस्त कम पटाखे खरीदो और पर्यावरण को बचाओ, ठीक है। और अब चलिए चलते हैं यार आगे, कुछ दोस्त लोग भी आए हैं, उन्हें ढूंढते हैं कहाँ पर बैठे हैं वो लोग। तो आप देख सकते हैं हर साल की तरह बाजार में इस साल भी कुछ नए नए पटाखे सामने आ रहे हैं, और देखते हैं आगे नया नया क्या है। और दोस्तों ये हैं सिलेंडर बम, हालांकि सिलेंडर नहीं जलाना, ये सिलेंडर बम है, ठीक है। और यहाँ से एक कैलेंडर भी ले लेते हैं, फुलझड़ियाँ भी रखी हैं सामने, चलते हैं यार आगे। तो दोस्तों दीपावली की शॉपिंग हम कर चुके हैं, और अब मैं आपसे मिलाता हूँ अपने क्लासमेट अपने फ्रेंड्स से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले आते हैं अमन जी। अमन जी क्या हाल है आपके? गुड आफ्टरनून, हमारे सब्सक्राइबर को हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से, सुजीत की तरफ से सबको। नीरज जी आप, इनका नाम है नीरज और इनका नाम है अमन। और भाई जी आपका नाम मोहित नाम है इनका, ठीक है। तो भाइयों मेरी तरफ से आपको सभी को हैप्पी दिवाली, आपको भी सेम टू यू। और तो अमन बताइए आपको मेरे चैनल पर आके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगा मुझे चैनल पे आके, और सुरजीत का चैनल तो मैं कंटिन्यूसली देखता रहता हूँ, जो भी वो ब्लॉग डालते रहते हैं अपने स्टेटस पे या यूट्यूब पे, सॉरी, तो उनके मैं हर एक कंटिन्यूसली ब्लॉग देखता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि ये कल्चर्स का भी दिखाते रहते हैं, मतलब गरबा कल्चर्स को लोग जैसे कि माइग्रेट होके चले गए बहुत सारे पीपल्स। अच्छा, सो इस वैसे भी सिचुएशन में, कोरोना सिचुएशन में, तो सुरजीत सिंह यहाँ पे गढ़वाल का कल्चर आपको एक्सपोज करते हैं हर चीज के बारे में, तो काफी अच्छा लगता है, अप्रिशिएट, और मैं उनकी अप्रिशिएशन करना चाहता हूँ। थैंक्स वेरी मच कि आप गढ़वाल के लिए इतना कुछ करते हो, और काफी ज्यादा यहाँ पे हर चीज को ट्रेडिशनली दिखाते हो अच्छे तरीके से। अच्छा, तो अप्रिशिएशन करना चाहता हूँ उनके लिए। अच्छा, तो अमन जी हमको एक बात बताइए कि उत्तराखंड में प्लान के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? प्लान के बारे में, हाँ, एक्चुअली इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, आपने अच्छा क्वेश्चन किया जी। प्लान के बारे में ये है कि माइग्रेट पीपल ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं है यहाँ पे, रोजगार नहीं है। जैसे रिसोर्स के लिए अगर हम जॉब की बात करें, तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं है जहाँ आप अपना कामकाजी या खर्च चल सके यहाँ पे। अच्छा, सेकंड बात ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी सबसे बड़ी, हेल्थ कम्युनिटी अगर हम बात करें तो उसकी फैसिलिटीज भी नहीं है। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ जी, तो मुझे इसका पता है। तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, उसके कारण भी बहुत सारे, इस कारण भी लोग काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटेड हो रहे हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं सबसे बड़ा। और अगर थर्ड मैं आपको रीज़न दूँ तो एजुकेशन का सबसे बड़ा रीज़न है जी। एजुकेशन यहाँ पे काफ़ी, आई मीन ऐसा तो नहीं बोल सकता कि उत्तराखंड में एजुकेशन लो है, लेकिन एक वैसी जगह पे जैसे पहाड़ी रूरल एरिया में एजुकेशन का थोड़ा लो यहाँ पे वैल्यू है। आई मीन यहाँ पे स्कूल्स भी नहीं है, और कॉलेजेस के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, अगर आप मान के चलो कि कोई अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट की पढ़ाई करता है, तो एटमोस्ट अगर उसने कर भी दी इंटरमीडिएट, लेकिन उसको फर्दर हायर एजुकेशन के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई कि लोग यहाँ पे माइग्रेटेड हो रहे हैं। अच्छा, तो यही कारण। अच्छा, तो अमन जी मैं अपने लौटूंगा आपके पास, सबसे पहले नीरज के पास जाते हैं। तो ये है हमारे दोस्त नीरज। तो नीरज जी आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आके? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, और बताओ कैसे हो आप? अच्छा, तो हमारे सब्सक्राइबर को क्या जब देना चाहते हो भाई, क्या बोलना चाहते हो सब्सक्राइबर को? क्या बताए सब, और भाई लोग कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, और मेरे भाई को सपोर्ट करो। अच्छा, और भाई की वीडियो देखते रहो, हम भी देखते रहते हैं यार। अभी भाई ने नया चैनल स्टार्ट किया है। अच्छा, तो अच्छा, तो बहुत बहुत थैंक यू नीरज भाई हमारे चैनल पर आने के लिए। और अमन जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अमन जी, पर्यटक आते हैं हमारे उत्तराखंड में, उन्हें हमारा उत्तराखंड वेरी ब्यूटीफुल लगता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नेचुरल ब्यूटी के बारे में? नेचुरल ब्यूटी के बारे में एक प्लीज़, जैसे कि सुरजीत ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड घूमने, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले तो यहाँ पे सभी चीज़ें नेचुरल वे में पाई जाती है,
आपको कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं मिलेगी। सेकंड बात यह है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर से, जैसे अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे काफ़ी चेंजेस है। अगर हम कंपैरिजन करें बाहर की तो एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे एक चेंजेबल है, जो अट्रैक्शन पावर है। सेकंड बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वैकेशंस के लिए, जैसे बाहर से आ गए तो वैकेशंस के लिए वहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा वो होता नहीं है, तो यहाँ पे लोग एक हिसाब से एक एटमॉस्फेयरिक अट्रैक्शन भी है एक हिसाब से अगर हम देखें जी। बाकी जो मैंने बताया था माइग्रेशंस लोग कर रहे हैं तो उसका एक अलग रीज़न है, अट्रैक्शन का अलग रीज़न है, लेकिन माइग्रेशन को हम अट्रैक्शन से जोड़ के नहीं दे सकते क्योंकि माइग्रेशन अलग चीज़ होती है, अट्रैक्शन अलग चीज़ होती है। माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर डेफिशिएंसी होती है किसी चीज़ की, और अट्रैक्शन होता है कि वहाँ पर कुछ देखने लायक है बट उसको हम फैसिलिटी से नहीं जोड़ सकते, वो एक नेचुरल है, आर्टिफिशियल, वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है। सो हाँ, पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं, लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनको अच्छा लगता है गाँव में मिल के। सो यही मैं बोलना चाहूँगा लास्टली। तो दोस्तों, अमन और नीरज जी से तो आप मिल ही चुके हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले क्लासमेट की तरफ। तो मैं बता देता हूँ, ये है प्रशांत भाई। तो प्रशांत भाई नमस्कार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आके? जी, चैनल पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सुरजीत भाई का ब्लॉग बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। अच्छा, एक महीना हो गया शायद उनको ब्लॉगिंग शुरू कर। जी जी जी, और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आती हैं उसमें गाँव की, और जो बताते हैं गाँव के बारे में, किस तरह से घर हैं, किस तरह से खेती बाड़ी गाँव में होती है, आपके पहाड़ियाँ, तो काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनके ब्लॉग चैनल पे आएँ और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप देखें कि किस तरह से मतलब उत्तराखंड में लोग रहते हैं और वहाँ का खान पान, रहन सहन किस तरह से लोग करते हैं। अच्छा, बस बाकी तो बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। अच्छा, तो प्रशांत भाई, दिवाली का ओकेशन है और यहाँ पे जो मार्केट की सजावट काफ़ी अच्छी है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मार्केट की सजावट तो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, आमतौर पर भीड़ ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन आज के टाइम पर ज़्यादा है ना, टाइम पर ज़्यादा है क्योंकि दिवाली आ रही है, कल दिवाली है। अच्छा, तो अभी सुरजीत भाई आपको बताएंगे कि बैजरो मार्केट में किस तरह से भीड़ है। अच्छा, तो प्रशांत भाई आपने शॉपिंग कर ली दिवाली की? मैंने शॉपिंग अभी नहीं की, लेकिन मैं अब करने वाला हूँ। अच्छा, थोड़ी मिठाई लूँगा और थोड़े सारे पटाखे लूँगा। अच्छा, कम लूँगा ताकि हमारे जो पर्यावरण है उसको कम मतलब। हाँ हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले पर्यावरण है, उसके बाद ही हमारा त्यौहार है। ठीक है जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सुरजीत भाई, थैंक यू। ओके, तो मिलते हैं आपसे अपने ब्लॉग में।